हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रियंका सिंह, अपने प्रियंका बुटीक में आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो देखिए, आज मैं ये अस्तर वाले ब्लाउज की पूरी कटिंग और सिलाई आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कंटिन्यू मेरे ब्लॉग वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो ये अस्तर का कपड़ा है, स्लीव्स छोटा रहेगा, यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास ब्लाउज का कपड़ा है और ये वाला नीचे जो है अस्तर है। तो ये साड़ी का ही कपड़ा है, पूरा साड़ी सेम ऐसे ही है और ब्लाउज उसी में से दिया था। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अस्तर का कपड़ा ले लिया है। इसको मैंने थोड़ा सा छोटा बड़ा आप लोगों को दिख रहा होगा। इसकी लेंथ पूरी रहेगी 14 इंच। तो जो बड़ा वाला साइज़ है उसको 16 इंच पे मैंने मतलब पूरा लिया है, और पीछे का पल्ला है वो 15.5 इंच। तो इस तरह से मैंने आगे पीछे का दोनों पल्ला एक साथ ही निकालना है। तो मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, आप अपने नाप के हिसाब से करें। और गला मुझे इसका लेना है 2.5 इंच, शोल्डर भी मुझे 2.5 इंच ही रखना है। तो इस तरह से मैंने अच्छे से हाथों से प्रेस कर लिया है इस पर। और चेस्ट का साइज मैं इसमें रहेगा पूरा 11 इंच पे मैं लगा रही हूँ निशान, मतलब रहेगा। तो पूरा मैंने लिया है निशान इस पर 13.5 इंच पे, क्योंकि मार्जिन में भी जाएगा। और जो डॉट तीरा लगाऊंगी मैं, सॉरी डॉट लगाऊंगी, उसमें भी कपड़ा जाएगा। तो आर्म होल की गहराई मैंने लिया है 5.5 इंच, और शोल्डर था इसका 2.5 इंच। तो मैंने जो आर्म होल की गहराई है उस पर भी मैंने 2.5 इंच के नीचे वहाँ पे मार्क किया है। अब उसके नीचे से ही मुझे गुलाई देना है। तो इस तरह से मैंने इस पर एक गुलाई दे दिया है। गले की गहराई रहेगी आगे वाले गले की 6.5 इंच। तो इसको मैंने 7 इंच पे मार्क किया है। और यहाँ से हल्का सा गला को फैलाते हुए मैंने निशान लगा लिया है। तो पहले मैं आगे और पीछे के पल्ले को कट करके निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे जो कटिंग होगी आगे वाले पल्ले में एक्स्ट्रा, उसको मैं कट करूँगी। तो इतना ही इसमें कपड़ा बचा हुआ है। अब दोनों पल्ले को अलग कर लेती हूँ शोल्डर पर से कट करके। तो ये मैंने पीछे का पल्ला निकाल दिया है, रह गया सिर्फ आगे का पल्ला। तो इसमें लगाना है जो ब्रेस्ट पॉइंट का मेन पॉइंट होता है ब्रेस्ट का, वहाँ पे निशान लगाना है। तो शोल्डर से मैंने लगाया है नीचे 10 इंच पे निशान, और उसकी दूरी मैंने रखी है उसके चारों तरफ से जो डॉट बनेगा उसकी दूरी मैंने लगाई है 1-1 इंच पे। और जो इसका डॉट बनेगा ना, वो नीचे की साइड से 1 इंच इसमें फोल्ड होगा। चारों डॉट का निशान लगाने के बाद ही मुझे तीरा का निशान मैंने लगाया है, क्योंकि तीरा अगर ऊपर से रहता है ब्रेस्ट के ऊपर से तो ब्लाउज अच्छे से नहीं बैठता, बल्कि नीचे से रहता है तो काफ़ी अच्छा बैठता है। तो इसीलिए पहले मैं इसका ऊपर का जो तीरा सॉरी डॉट लगाना है उसका मैंने निशान बनाया है, फिर उसके बाद मैंने तीरा की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे आर्म होल के पास थोड़ा सा मैंने 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा कट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ, ताकि ये फिटिंग का निशान है पता रहे मुझे। वैसे भी लास्ट में मुझे फिर से लगाना होगा। तो पीछे का गला मैंने लिया है 9.5 इंच। तो इस तरह से मैंने 9.5 इंच पे इसका निशान लगा लिया है, और इसको मैंने चौकोर शेप में ही रखा है। तो देखिए, पीछे का गला भी कट चुका है और आगे का भी पल्ला रेडी हो गया है। इसमें छोटा बाजू बनेगा, तो अस्तर का कपड़ा कम है, इसको ज्वाइंट करके जो कटिंग करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने बाजू की जो है कटिंग इसमें नहीं दिखाई है। तो जैसे इसको आगे पीछे का पल्ला कटा है, सेम ऐसे ही मुझे मेन फैब्रिक पे कपड़ा रखना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, इस तरह से मुझे कट कर लेना है। तो अभी मैंने पीछे का पल्ला कट करके निकाल लिया है। अब सेम इसी तरह से मैं आगे का पल्ला भी निकाल लूँगी, निकाल ली हूँ। और ये रह गया जो तीरा होता है, वो तीरा भी मैं कट कर लूँगी सेम इसी तरह से, इसके बराबर से ही कट करूँगी। इसमें पट्टी भी नहीं ऐड करना है, दोनों साइड्स में मतलब नीचे की साइड से डबल एक साथ ही मैं फोल्ड करके पलट दूँगी, तो इसमें पट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तीरा की भी कटिंग हो गई है। अब इसमें से अगर मैं लंबी बाजू बनाना चाहूँ, तो इसमें अस्तर का कपड़ा कम है, जिन्होंने दिया है उन्होंने अस्तर का कपड़ा दिया नहीं है। और इसको मैं जो इसका ये कोई लेस नहीं है, ये साड़ी का ही बॉर्डर है, तो इसको कट करके मुझे बाजू पे अलग से ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इतने में बाजू होगा ही नहीं। तो इसलिए इसको मैं पूरा कट कर लेती हूँ, अलग निकाल लूँगी, फिर मैं इसे बाद में बाजू में अटैच कर दूँगी। तो देखिए, इतना कपड़ा इसका बचा हुआ है, इसमें से मुझे पाइपिंग पट्टी निकालनी है और बाजू निकालना है। तो
तो मैंने सोचा था इसकी लंबी ही बाजू बना देती हूँ, लेकिन इसका कपड़ा इतना पतला था ना कि ये बहुत ही जल्दी फट जाता, इसकी वजह से फिर मैंने लास्ट में इसको छोटा ही बाजू बना दिया था। तो इसकी कटिंग लंबी बाजू हो चाहे छोटी वाली बाजू हो, सेम इसी तरह से कटिंग होती है। तो देखिए इस तरह से जितना ऊपर मैंने इसका शोल्डर लिया था, उसको आपको शोल्डर से नीचे जो गहराई बनाते हैं वहाँ पे आपको हमेशा 2.5 इंच ही रखना है, ये दूरी और ये नीचे की दूरी बराबर रखनी होती है। और सेम इसी तरह से इसको कट कर लेना है, दोनों बाजू में एक साथ कट कर रही हूँ। इसकी कटिंग जो होती है ना सेम इसी तरह से होती है, बस इसको ज्वाइन करते टाइम आगे जो बाजू का पार्ट आता है वहाँ पे आर्म होल के पास इसको थोड़ा सा कट कर लेना होता है एक्स्ट्रा, ताकि वहाँ पे रिंकल्स ना आए। तो ये पूरा हो गया है, बाजू कट चुका है। अब नीचे की साइड मैंने एक्स्ट्रा इसमें कपड़ा लिया है ताकि मार्जिन में भी रहेगा कपड़ा और यहाँ पे कपड़ा भी कम नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले से ही एक्स्ट्रा ले लिया था, निशान लगा दिया जहाँ तक मुझे मार्जिन के लिए चाहिए। तो ये बाजू की कटिंग हो गई है। अभी ये तो है 9 इंच था इसका पूरा, लेकिन अस्तर का कपड़ा नहीं था, ये बटन की पट्टी हो गई। अब इतना ही कपड़ा मेरे पास बचा हुआ है, तो इसमें से मुझे आगे गले की पट्टी निकालनी है। तो इतने छोटे छोटे कतरन हैं तो आगे गले का ही पट्टी निकालूंगी मैं, पीछे वाले में सिर्फ पलट कर सिलाई लगा दूंगी। तो देखिए बटन की पट्टी कट गया, बाजू कट गया, ये बाजू पर का लेस हो गया और यहाँ पर हो गया तीरा, ये तीरा की कटिंग हो गई। और ये है आगे का एक पार्ट है, आगे का पल्ला है, तो इस सबको मैं हटा देती हूँ। और ये भी है दूसरा अस्तर है, मतलब आगे पार्ट का अस्तर है, इसके बाद ये उसका तीरा है। तो देखिए ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है और ये पीछे का पल्ला है, इसकी भी कटिंग हो गई। तो पूरा ब्लाउज कट चुका है, सिर्फ मैंने इसमें आप लोगों को इसके जो औरे पट्टी होती है उसकी कटिंग करके नहीं दिखाई हूँ, क्योंकि इसमें कपड़ा इतना ज़्यादा छोटा छोटा था ना कि मैं इसे छोटे छोटे पीस में ही कट करके ज्वाइन करके गले पे अटैच करूँगी। तो चलिए सिलाई दिखाती हूँ। तो देखिए ये आगे का पल्ला मैंने गले की साइड से इसको अटैच कर लिया, बटन की साइड से, और जो साइड फिटिंग होती है उधर से भी मैंने इसको अटैच कर लिया है ताकि ये खिसके नहीं, ये बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, खिसक जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो डॉट होता है उस पर सिलाई लगा लिया है, एक्स्ट्रा धागा छोड़ दिया है ताकि ये खुले नहीं, वरना यहाँ पर जल्दी से खुल जाता है। कोई भी कपड़ा हो अगर आप इसे पे यहाँ पे पक्का नहीं करेंगे किनारे पर तो ये खुल जाता है। और किनारे का जो पॉइंट होता है ना आपको एकदम पतला करते हुए लाना, ये नहीं कि अचानक से आपने सिलाई रोक दी और फिर वहाँ पर एकदम बाहर की साइड से फुला हुआ अजीब सा दिखता है, एकदम बेकार हो जाता है। इसलिए आपको यहाँ पर एकदम पॉइंट बनाते हुए सिलाई लगाना है। तो देखिए 3 डॉट इसमें लगा लिया है मैंने, बस आर्म होल की साइड रह गया है, इसको भी मैं सेम ऐसे ही सिलाई कर लेती हूँ। तो देखिए आगे का पल्ला ये सिलाई हो गया है, अब इसमें रह गया तीरा ज्वाइन करना। तो तीरा भी मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, एक तीरा मुझे इसके ऊपर रखना है और एक नीचे रखना है, फिर सिलाई कर लेना है। इस तरह से इसको ऊपर से अटैच कर लेना है। अब गुम सिलाई करनी हो तो आपको थोड़ा सा इसमें तरीका अलग करना होगा, वरना ये बहुत ही सिंपल होता है। इस तरह से आप सिलाई कर सकती हैं सीधे सिल के। तो देखिए जो नीचे पेट की साइड रहेगा ये तीरा, उधर पहले मैंने इसको सिलाई लगा लिया है, यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद इसे पलटकर सीधा भी कर लूँगी। देखिए इसको इस तरह से करना है, और जो अस्तर का कपड़ा है ना उस पर ही एक टॉप स्टिच लगानी है ताकि ये कपड़ा बैठ जाए अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने इस पर भी सिलाई लगा लिया। अब इसको अटैच कैसे करना है, यहाँ पे गुम सिलाई वाली जो पट्टी होती है ना वो बहुत सारे तरीके होते हैं, तो ये तरीका मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ। इसके पहले मैंने दूसरी तीसरी मतलब 2-3 तरीका और है, उस तरह से मैं सिलाई करती थी। ये भी आसान है, वो भी आसान ही रहता है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। तो इसको देखिए मैंने जो मेन फैब्रिक है ना उसको आगे पल्ले पे रखा हुआ है और सीधा सिलाई लगा लिया। तो इस तरह से मैंने इसको अटैच कर लिया है इसमें। अब जो अस्तर का कपड़ा है उसको भी मैं इस पे रख के सिलाई करूंगी। तो उसको कैसे करना है आपको मैं दिखाती हूँ, इसको इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे इसको इसके ऊपर रखना है और सिलाई कर लेना है, तो ये पूरा फाइनल हो जाएगा। चलिए इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये आगे का पल्ला रेडी हो गया है, सेम ऐसे ही दूसरा पल्ला भी रेडी करना है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर।